चलो भाई, राशि है और सुहानी है। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या कर लिया था, कौन सा मैकेनिज्म किया था? रिवर्टिमेंट कर लिया था, है ना। रिवर्टिमेंट में सैलिसिलिक एसिड कैसे बन सकता है वो भी बना लिया था, हालांकि उसको रिवर्टिमेंट बोलते नहीं, वो रिवर्टिमेंट जैसा रिएक्शन है जिसमें क्लोरोफॉर्म की जगह हमने क्या यूज कर दिया था, CCl4। CCl2 तो उसका इंटरमीडिएट था, कार्बीन। अगर क्लोरोफॉर्म यूज करते हो तो सैलिसिलडिहाइड बना था जिसको हम रिवर्टिमेंट बोल रहे थे, और CCl4 अगर यूज करते हो तो सैलिसिलिक एसिड बन गया था, है ना। एक और रिएक्शन है, एक और क्या मतलब है, तो बहुत सारे आपको एसिटाइलेशन और एसिटाइलेशन बता दिया था, पिरिडीन के साथ एसिटाइल ग्रुप को ऐड करवाया था, एक बार एसिटिक एनहाइड्राइड से और एक बार क्या लिया था, एसिटाइल क्लोराइड से, है ना। एक और इसका रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये तो एस्ट्रिफिकेशन है, ये तो करा दिया आपको, रीअरेंजमेंट है, प्राइस रीअरेंजमेंट। क्या है? केवल रीअरेंज, फ्रेंच फ्राइज खाते हो ना, उससे याद रखो। FRIES, ठीक है, प्राइस रीअरेंजमेंट। क्या होगा देखो, मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, फिनाइल एस्टर है हमारे पास। क्या है? फिनाइल एस्टर। नीचे क्या लगा हुआ है? फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, और ऊपर क्या लगा है? एस्टर ग्रुप। देख पा रहे हैं, नीचे फिनाइल है, उसके साथ सी डबल बॉन्ड OOCH3, ठीक है, फिनाइल एस्टर है। अच्छा ध्यान से देखो, इसको फिनाइल एस्टर बोलोगे या मिथाइल एस्टर बोलोगे? जल्दी से बताओ। देखो, जब ये वाला जो सिंगल बॉन्ड वाला ओ है ना, उसके साथ जो ग्रुप लगा होता है उसकी बेसिस पे बोलते हैं एस्टर। यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है तो दिस इज मिथाइल एस्टर, फिनाइल एस्टर नहीं है। अगर फिनाइल एस्टर हमें बनाना है तो क्या करना है? सारांश का आंसर क्या था? सही था, अभी सही है। ओ से जो ग्रुप अटैच होगा उसकी बेसिस पे एस्टर नाम दे देते हैं, जनरल नेम। तो ये कौन सा एस्टर हो गया? फिनाइल एस्टर। इसमें रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट के थ्रू होता क्या है कि इस जो ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन होगा या जो पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन होगा वो इस पे चला जाएगा, OH बना लेगा, और ये जो COCH3 ग्रुप है वो एक बार ऑर्थो पे आ जाएगा और एक बार पैरा पे आ जाएगा। दो प्रोडक्ट बनते हैं, और ये रिएक्शन किसका था? फिनाइल एस्टर का था। किससे रिएक्ट कराते हैं? एनहाइड्रस AlCl3 से। हाँ, एनहाइड्रस AlCl3 से करा दो, इन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड के एटमॉस्फेयर में करा देते हैं रिएक्शन। कार्बन डाइसल्फाइड इसमें काम करता है सॉल्वेंट की तरह, इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? रीअरेंजमेंट होता है, जहां पे ओ लगा हुआ है वहां पे बन जाएगा OH, और एक बार ऑर्थो पोजीशन पे COCH3, और एक बार किस पे बन जाएगा? पैरा पोजीशन पे COCH3। क्लियर है बात? एक बार ऑर्थो पोजीशन पे COCH3 लग जाएगा, और एक बार पैरा पोजीशन। इस कैटेगरी का नाम
अंदर ही रिंग में घूम रहे थे हाइड्रोजन। वो तो जैसा आप अगर अगर हाइड्रोजन इधर से उधर जा रहा है उसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन शिफ्ट कह सकते हो। रिएक्शन अगर एक तरीके से देखो तो कैसी हो रही है, इंट्रा मॉलिक्यूलर। कुछ और इसमें ऊपर से बाहर से रिएजेंट नहीं दिया ना हमने। एनहाइड्रस AlCl3 तो काम करेगा उसकी तरह, कैटेलिस्ट की तरह। देखो बड़ा सा ग्रुप है, जब ऐसे केसेस आ जाते हैं, जब बड़े बड़े ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे आ जाते हैं ना, तो क्या होता है कि यहाँ पे हो जाती है क्राउडिंग, तो क्या होगा, रिपल्शन हो जाएगा अगर पास पास होंगे। तो ऐसे केसेस में ये बन जाता है, वैसे ऑर्थो होता है मेजर और पैरा होता है माइनर, लेकिन ऐसे केसेस में ये माइनर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मेजर। ठीक है, देखो एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, CH2 सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। एक कंपाउंड हमने लिया है फिनाइल एस्टर, ठीक है। फिनाइल एस्टर से एक तरीके से सोचो कि फिनाइल एस्टर से कौन सा ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे फिनोलिक ग्रुप, फिनॉल बना रहे हैं भाई। अगर इसको हटा दो तो ये फिनॉल ही तो है, फैमिली फिनॉल हो गई। इसको हटा दो तो ये भी फिनॉल फैमिली हो गई, पूरा फिनॉल हो गया। तो फिनॉल का रिएक्शन है, तो फिनॉल प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग, किससे कर रहे हैं, फिनाइल एस्टर ले लिया, उसको इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब ट्रीट करते हैं तो इस मॉलिक्यूल के अंदर ही रीअरेंजमेंट हो जाता है। और रीअरेंजमेंट के थ्रू क्या होता है, इस पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा, साइनस बोर्ड पे देखो, इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन चला गया ओ माइनस के पास, और ओ माइनस के पास जब ये जाएगा तो यहाँ से COCH3 ग्रुप माइग्रेट कर गया यहाँ पे। जैसा ये बता रही हूँ मैं, ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, मैकेनिज्म में एनहाइड्रस AlCl3 जाके रिएक्ट करेगा फिर होगा, लेकिन समझने के लिए याद रखते हैं कि यहाँ पे एच आ गया इस कार्बन का, और यहाँ से COCH3, और एक बार ऑर्थो पे और एक बार कहाँ पे मूव कर गया, पैर। ठीक है, ये जो कंपाउंड है अगर बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 ग्रुप आ जाता है, बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 ग्रुप आ जाता है, तो इस कंपाउंड को कहते हैं एसिटोफिनोन। क्या कहते हैं हम लोग, एसिटोफिनोन। ये ग्रुप एसिटो बोलते हैं, इसका जनरल नेम है एसिटो, CH3CO को। हाँ, केवल ये आ जाए तो इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। अब एसिटोफिनोन के ऊपर एक OH भी लगा हुआ है तो हाइड्रोक्सी बोल देते हैं। एक बार बोल देंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और एक बार बोल देंगे पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ठीक है, तो नाम क्या हो गया, ये जो कंपाउंड है बेंजीन रिंग के ऊपर अगर COCH3 केवल आता है तो इसको क्या नाम देते हैं, एसिटोफिनोन। अभी इसका खूब हम लोग यूज लेंगे किस पे, एल्डिहाइड कीटोन। ये इसका इससे कोई मतलब नहीं है, नाम बताने के लिए बताया। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। भाई एसिटोफिनोन के ऑर्थो पोजीशन पे, और इसको क्या बोलेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी। ये हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। और इसको क्या बोलोगे, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटो। क्लियर है, रीअरेंजमेंट का क्या नाम है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। ठीक है, नहीं मैं कहने जाऊंगी, ये सब ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। अब जैसे हमने CH3COCl की रिएक्शन कराई थी तो CH3CO ग्रुप इंट्रोड्यूस किया था ना, वैसे ही हम लोग C6H5COCl की भी रिएक्शन करा सकते हैं। जब CH3COCl की रिएक्शन कराते हैं तो बोलते हैं एसिटाइलेशन। ठीक,
अगर C6H5COCl ले लें, CH3 की जगह क्या लगा दिया, C6H5, तो C6H5CO जो ग्रुप होता है बेंजोइल ग्रुप बोलते हैं, तो बेंजोइलेशन बोलते हैं, उसको हमने बोला था एसिटाइलेशन, इसको हम नाम क्या देंगे, बेंजोइलेशन। तो अभी हम करने जा रहे हैं क्या, फिनॉल का बेंजोइलेशन, ठीक है, लिखिए बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल। बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल, बेंजोइल ग्रुप की रिएक्शन हो रही है, CH3COCl ग्रुप को हमको इंट्रोड्यूस कराना है, इसका एक और नाम है, ये हो सकता है उसमें भी पढ़ाया हो मैंने, हेलो एल्केन, शॉर्टन बॉमेन रिएक्शन, मेरे ख्याल से पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया, सिमोनी नहीं पढ़ाया था, हाँ ये शॉर्टन बॉमेन नहीं पढ़ाया था, शॉर्टन बॉमेन। क्या करेंगे, फिनॉल ले लिया, फिनॉल की रिएक्शन करानी है C6H5COCl से, बेसिक मीडियम में कराएंगे, NaOH एक्वस ले लो, क्या होने वाला है, सबसे पहले यहाँ पे O माइनस क्रिएट होता है, फिनॉल की ज्यादातर रिएक्शन में मैंने क्या बताया था, फिनॉक्साइड आयन बनता है, तो सबसे पहले फिनॉक्साइड बनेगा और H हटेगा, और H के साथ जाकर के कौन अटैच होने वाला है, ये एच के साथ जाकर के कौन सा अटैच होगा, C6H5CO ग्रुप अटैच हो जाएगा, तो कैसे होगी रिएक्शन, एच हट गया ना वहां से, ये लग गया, और बाकी रिएक्शन क्या होगा, NaOH यूज किया हमने, तो एक NaCl बन जाएगा, एक H2O बन जाएगा, क्या बन जाने वाला है, NaCl एंड H2। रिएक्शन को क्या बोला हमने, बेंजोइलेशन, क्लियर है बात, अरे O को तो हमने हटा दिया, O तो लग गया, H ही हटा था ना, O तो ही लगेगा ना, O CO C6H, H को हटा के क्या लगा दिया, O CO C6H, ये कौन सा कंपाउंड है, एस्टर ही दिख रहा है, तो क्या नाम दे सकते हो इसको, देखो इस एसिड को बोलते हैं बेंजोइक एसिड, इस एसिड को क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड का एस्टर है, बेंजोइक एसिड पे हमने क्या लगा दिया है, एच को हटा करके क्या लगा दिया, फिनाइल लगा दिया, तो फिनाइल बेंजोएट बोल सकते हैं, जैसे सोडियम एसिटेट बोलते हैं, है ना, वैसे इसको क्या बोल सकते हैं हम, फिनाइल बेंजोएट। ये जो होता है ये ग्रुप C6H5COO- इस बेंजोएट, ये देखो ये है C6H5COO-, इसको बोलते हैं बेंजोएट, इसको जैसे CH3COO- को एसीटेट बोलते हैं ना, ये मालूम है सबको, इसको एसीटेट बोलते हैं, इसको बेंजोएट बोलते हैं, तो ये बेंजोएट है C6H5COO, और उसके साथ क्या लग गया है हमारे, फिनाइल, ठीक है, तो फिनाइल और लग गया, तो फिनाइल बेंजोएट नाम कह सकते हैं इसका, इसका नाम क्या हो गया, फिनाइल बेंजो एस्टर के नाम में लास्ट में IPAC में भी O8 लिखते हैं, ठीक है, हाँ जी, तो एस्टर ही तो बोल रहे हैं, O8 बोले तो एस्टर, कहां से कंफ्यूज हो रहा है,
किससे? इससे C6H5 सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ पे ओ, फिर यहाँ पे एच की जगह ये देखो C6H5 COO H होता तो बेंजोइक एसिड, H को हटा दिया क्या लग गया ये फिनाइल ग्रुप, C6H5 C डबल बॉन्ड O, ये सिंगल बॉन्ड O, ये आपका फिनाइल, फिनाइल बेंजोइट, बेंजोइक एसिड का से बना हुआ है सॉल्ट तो उसको क्या नाम दे दिया फिनाइल बेंजोइट। जैसे मान लो यहाँ पे H होता और यहाँ पे आप सोडियम लगाते तो सोडियम बेंजोइट, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया फिनाइल लगा दिया तो फिनाइल, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अगर मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझना चाहें हम कि मैकेनिज्म क्या हुआ होगा, तो फिनॉल की रिएक्शन में आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है फिनॉल की रिएक्शन में, ज्यादातर रिएक्शंस में एच निकलता है ज्यादातर, सिंपल है पर समझ लो थोड़ा सा, जरूरत इतनी शायद तो नहीं आएगी पर हाँ। हाँ तो एनीवे चाहे प्लस में लिख दो चाहे एरो के ऊपर लिख दो बात एक ही है, वो बात एक ही है, ये रहा अपना फिनॉल, ठीक है। इसके पास कौन आया पहले NaOH, जब NaOH आता है तो क्या होता है OH किसको सब्ट्रैक्ट कराता है H को हटाएगा, ठीक है, और क्या निकल जाएगा वाटर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ONa बन जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। ONa आपका किस फॉर्मेट में होगा, ओ एन ए का अगर फॉर्मेट देखो तो ओ एन ए ऐसा होगा ना ओ माइनस और एन ए प्लस, यही फॉर्मेट होगा ओ एन ए का, तो ठीक है सॉल्ट है तो सॉल्ट तो ब्रेक हो ही सकता है, सॉल्ट की प्रॉपर्टी होती है ब्रेक हो, ओ माइनस होगा इसमें, ठीक। अब ओ माइनस है इसके पास, इलेक्ट्रॉन है इनके पास और इनके पास अब आ जाएगा कौन सा ग्रुप C6H5 COCl ग्रुप आएगा, यही लिया है ना, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग C6H5 COCl, ठीक। COCl को अगर देखो तो COCl को ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब मेन कमाल किसका है सारा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O को यूज कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक। यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो इस पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, ठीक है, और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ सकता है थोड़ा सा, ठीक। इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये किस पे जाकर के अटैच होना चाहेगा, ऊपर जाके अटैच होगा, ये वाले नेगेटिव पार्ट पे आकर के अटैच होगा। जब निगेटिव पार्ट पे ये कार्बन जा करके अटैच होगा तो इस कार्बन पे अगर यहाँ से अटैच हो गया ये तो 1 2 3 4 ये ऊपर चला गया, मान लो ये बॉन्ड ऊपर चला गया इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और एक यहाँ से अटैच हो गया 4, ठीक है, ऊपर जाके अटैच होगा। जब ये जा करके अटैच होता है तो उसके साथ साथ ये सीएल माइनस, अच्छा लिविंग ग्रुप है तो सीएल माइनस क्या करता है निकलता है, Cl माइनस उसके साथ साथ ही क्या होगा बेटर लिविंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा निकलना चाहेगा Cl माइनस। जब Cl माइनस यहाँ से निकलेगा तो क्या सिचुएशन बनेगी, इसके ऊपर ये जो अपना फिनोक्साइड, ये जो फिनोक्साइड था इसके ऊपर आकर के कौन अटैच हो गया C, एक तरफ C6H5 और एक बार डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, Cl माइनस आपका।
है वही बन गया। और Na, ये जो Cl माइनस निकलेगा ये आपका ये जो Na प्लस S के साथ क्या कंबाइंड कर जाएगा और NaCl। फिनाइल एस्टर नहीं दिख रहा, देखो C6H5 C डबल बॉन्ड O फिर O फिर थोड़ा सा फैन चला घर पे लगे नहीं लड़कियां एकदम मस्त हो जाती से रजत सबसे पर किसमें उससे भी कोई बता। अच्छा देखो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन ये सब रिएक्शन करा चुके थे फिनोल के, कराए थे नाइट्रेशन सल्फोनेशन ब्रोमिनेशन ये चलाया, ये किसी ने बंद कर दिया उधर से, नाइट्रेशन सल्फोनेशन ये सब करा दिया था। हाँ टू वे ना, जल्दी लिखो नाइट्रेशन सल्फोनेशन ब्रोमिनेशन करा। सल्फोनेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या बोलते हैं फ्यूमिन H2SO4 की प्रेजेंस में H2S2O8 H2S2O8 फ्यूमिंग H2SO4 को बोलते हैं ओलियम। हाँ H2SO4 में ऐड कर दो SO3 तो बन जाता है किसका फॉर्मूला, ओलियम। एक सल्फोनेशन के रिएजेंट है, अगर नाइट्रेशन कराना है तो नाइट्रेशन का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 अगर यूज करोगे तो नाइट्रेशन होता है, लेकिन उसमें नाइट्रेशन जो होगा आपका पहले ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, ठीक है। उसके साथ अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी यूज कर देते हैं तो ऑर्थो पैरा की तीनों पोजिशन पे हो जाता है और एक स्पेशल कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल TNP पिक्रिक एसिड, क्या बोलते हैं उसको TNP पिक्रिक एसिड, इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ठीक। फिर उसके बाद अगर फिनॉल की रिएक्शन करा दो तुम ब्रोमीन वाटर से, किससे करा दो रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से, ब्रोमीन किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा वाटर मीडियम के प्रेजेंस में, तो 2 पोजीशन 4 पोजीशन और 6 तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ठीक है। ये जो ब्रोमीन होता है रेड कलर का होता है और जब फिनॉल से रिएक्ट करता है तो व्हाइट कलर का ये PPT बना लेता है, किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्ट करेगा तो व्हाइट बनाएगा, वाटर की प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर अगर आप लेते हो तब ये व्हाइट PPT बनाता है। अगर आप इसको किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया, हाँ ब्रोमीन वाटर आपके यूज करते हैं अनसेचुरेशन के टेस्ट के, मतलब जहाँ पे डबल बॉन्ड हो उसके टेस्ट, डबल बॉन्ड के कंपाउंड के साथ ब्रोमीन वाटर रेड कलर का होता है, जैसे ही आप रिएक्ट कराओगे वो क्या हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा ब्रोमीन, तो अनसेचुरेशन के टेस्ट के लिए होता है ये डबल बॉन्ड के टेस्ट के। तो ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट कराना है तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा, लेकिन अगर ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे CH2 मीडियम में या क्लोरोफॉर्म मीडियम में, मतलब जो पोलर नहीं है या कम पोलर है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो उनकी प्रेजेंस में जब कराते हैं तो 2,4,6 नहीं बनता है ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो पैरा 2,4,6 इन सब का मतलब आप समझ रहे हैं। लिखू मैं रिएक्शन, जो बात बतानी थी वो बता दी आपको, तो रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर किससे रिएक्शन हो रहा है ब्रोमीन वाटर, ठीक है, तो क्या होगा कलरलेस हो जाएगा। ये ब्रोमीन वाटर कैसा होता है रेड कलर का
और अब क्या हो जाएगा कलरलेस। पूछा गया है जेई मेन में क्वेश्चन अभी अभी रिसेंटली कि भैया ब्रोमीन वाटर से जब रिएक्शन कराते हो तो कौन सा कंपाउंड बनता है, तो अभी अभी बताया OH तो यहाँ पे रहेगा, ब्रोमीन कहाँ पे लग जाएगा, दूसरी चौथी 2 4 क्लियर है। नोट किया, जल्दी जल्दी कर लीजिए, थोड़ा सा रिएक्शन में कुछ खास दम नहीं है, मतलब याद रखते हैं। ब्रोमीन वाटर का कलर रेड होता है। अब रेड कलर के सब्सटेंस को फिनॉल में मिलाया तो क्या मिल गया हमको, पूरा कलर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करें। व्हाइट पीपीटी, एक बार ये भी पूछा व्हाइट पीपीटी किस चीज का है, एक बार पूछा सॉल्यूशन कलरलेस किस कंपाउंड की वजह से हो जाता है, क्या बनने की वजह से। वाटर पोलर सॉल्वेंट है। वाटर क्या करता है, ब्रोमीन को खूब तोड़ता है। Br सिंगल बॉन्ड Br है ना, ये टूटेगा, ठीक है, और ब्रोमिनेशन जब भी होता है तो ब्रोमिनेशन में बनता है Br प्लस। ये अगर इलेक्ट्रॉन को लेता हुआ निकल जाए तो ये Br प्लस और Br माइनस बन जाएगा, यस और नो। अगर हेटरोलिटिक फ्यूजन हो जाए, हेटरोलिटिक फ्यूजन का मतलब जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो एक ही लेके भाग जाए, तो जो लेके भागेगा उसके ऊपर नेगेटिव और जिसके पास कमी रह जाएगी उसके पास पॉजिटिव। जैसे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन, है ना, या कार्बोकेटायन। ये ब्रोमीन पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमीनियम आयन। वाटर की प्रेजेंस में ये ब्रोमीनियम आयन बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है, क्योंकि वाटर क्या है, ब्रेक करने में बहुत ही स्मार्ट है। डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इसका 81, तो इसलिए ये खूब सारे Br प्लस प्रोड्यूस कराता है। तो ये पोजीशन तीनों पोजीशन फिल हो जाती है। लेकिन अगर यही रिएक्शन तुम करा दोगे, ब्रोमीन ले लोगे किसकी प्रेजेंस में, रिएक्शन विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2 ले लो या क्लोरोफॉर्म ले लो, इसकी प्रेजेंस में करा, तो ये सब पोलर तो है नहीं इतने, ठीक है, CH2 तो नॉन पोलर ही है, ठीक, डाइपोल मोमेंट जीरो होता है ना CH2 का, पता है ना CH2 CO2 की तरह होता है, हाँ, DM क्या होगा, ठीक है, वो भी CHCl3 क्लोरोफॉर्म भी ना कुछ पोलर नहीं होता, वाटर बहुत पोलर है, तो इतनी ब्रोमीन तो ये प्रोड्यूस कराएगा नहीं, कम प्रोड्यूस कराता है, तो उस केस में क्या बनता है, ये रिएक्शन कई बार पूछा गया है कि CH2 और इसकी प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बनेगा और इसके वाटर के प्रेजेंस में क्या, ठीक है, तो अब क्या होगा, केवल ऑर्थो और नहीं, यहाँ वाटर ऑर्थो और कैसे प्रोडक्ट बनेंगे, पैरा ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल एंड पैरा ब्रोमो ऑर्थो, हाँ अच्छा, हाँ, और थोड़ा बहुत उसमें भी बन सकता है सर, देखा तो उसमें भी जा सकता है, स्पीसीज तो उसमें है ही ना, देखा उसमें भी जा सकता है, लेकिन उसमें क्या होगा, फिर अगली पोजीशंस पे तुरंत सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तुरंत
ये ब्रोमिनेशन, जितने हैलोजिनेशन है, सल्फोनेशन है, नाइट्रेशन है, ये सब होते हैं कैसे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जितने बेंजीन रिंग के कंपाउंड है, ज्यादातर कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखते। ठीक है, हो गया। अब कर लेते हैं नाइट्रेशन। जो मेन नाइट्रेशन है पहले वो करा देते हैं ना। मेन नाइट्रेशन होता है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। दोनों ये जो एसिड हैं इनके मिक्सचर को क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन कराते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं क्या, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। दोनों कैसे होने चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड। ये दोनों यूज करेंगे तो क्या बनेगा हमारा, 2,4,2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनोल TFP फिनोल। ये रहा फिनोल, इस पे दोनों की रिएक्शन करा दी। दूसरी, चौथी और छठी सारी पोजीशन पे क्या आ जाएगा, OH तो ऊपर रहेगा ही, क्या बोलते हैं इसको, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो TNP पिक्रिक एसिड। H2SO4 इसमें काम करता है ना, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, NO2+ को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पिक्रिक एसिड। लेकिन पिक्रिक एसिड की यील्ड कम होती है, थोड़ी सी लो यील्ड। हाँ ठीक है, यील्ड क्या होगी, कंसंट्रेटेड HNO3 तो क्या होगा, पिक्रिक एसिड का यील्ड जो होगी वो क्या होगी, लो बनेगा। ऐसा नहीं है कि बनेगा, तो सल्फोनेशन होगा, तो सल्फोनेशन तो क्या हो जाएगा, सल्फोनेशन। सभी समझ में, ये कौन बोला दूसरा नहीं आएगा, एक बात समझ में आ गई तो दूसरी बात भी समझ में, और अगर एक भी नहीं आई तो क्या होगा, फिर अगली भी नहीं आएगी। बनेगा तो सही लेकिन क्या है, ठीक है,
अभी क्या है ना, अभी स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस नहीं करा पा रहे हैं आपको, अभी आपको बस सिलेबस एक बार को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट छूट ना जाए ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऑर्गेनिक की कोई लिमिट नहीं होती है, ऑर्गेनिक की कोई लिमिट नहीं होती है। एग्जाम तक मैं चाहूँ तो रोज 50-50 सवाल करा, 50 टाइप के, ऐसा भी नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड वेवलेंथ, कल ही मैंने देखा था फिजिक्स में भी सवाल आया, केमिस्ट्री में भी सवाल आया। बस बस तुम मैडम से यही सुनना चाहते थे, फिजिक्स में भी आया था कोई सवाल 26 तारीख का था कि उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ था और आपको उसकी वेवलेंथ कंपेयर करनी थी, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के किससे कराया था, तो ये आया तो केमिस्ट्री में था, फिजिक्स में भी आया। क्लेम नहीं कर रहा कि एटॉमिक दूसरा नाइट्रेशन डाइल्यूट की प्रेजेंस में भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर बोला जाए नाइट्रेशन करा रहे हैं तो क्या समझना आपको, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में करा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर लिख दिया जाए कि डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है तो आपको प्रोडक्ट मालूम होने चाहिए। ये क्या है, डाइल्यूट समझते ही नहीं हम। हाँ दिल का मामला है भाई, दिल तो किसी के पास भी हो, दिल किसी के पास भी हो सकता है ना, दिल तो किसी के पास भी हो सकता है ना, तो बस बच्चे ऐसी वो करते हैं क्या बोलते हैं, चोट कर देते हैं बिल्कुल, जैसे आपको बताया था ना कि वो कौन सी छिछोरे मूवी देखने गए थे तो दो चार बच्चों का ग्रुप था, वो बोले आप भी देखोगे सर, लोग गए थे तो उनको लगा कि ये तो पुराने लोग हैं, लोग क्या देखेंगे। हाँ बोल भी दिया, हम टिकट ले रहे थे, अब क्या है, अब संकोच खत्म हो गया है ना, अब वैसे रिलेशन। हाँ नहीं नहीं हमारे नहीं, ऐसे ही कोई थे मतलब ग्रुप था, हम लोग लेट पहुंचे थे, जल्दी जल्दी ले रहे थे तो क्या क्या बच्चे बच्चे जी बच्चे क्या मूवी नहीं देखेंगे, बच्चे जी तो क्या जिएंगे ना, बस उनको ये बोला जाता है कि भाई आप एक टाइम पे कॉलेज में एडमिशन ले लो, उसके बाद तुम फुल जियो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे, बेसिकली यूज करते हैं क्या, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, क्या बोलते हैं इसको, ओलियम बोलते हैं, ओलियम बोलते हैं, H2SO4 में SO3 प्लस कर दो तो क्या बन जाएगा, H2S2O7 बनेगा ना सर, ओलियम का फॉर्मूला होता है H2, तो होता क्या है ये H2SO4 और इसमें SO3 का फ्यूमिंग, फ्यूमिंग
फ्यूम्स निकल रहे हैं SO3। धुआं धुआं धुआं। चलो तुमने वो बनाया होगा एक्वारेजिया। हाँ क्या कार्बन का कोई ले लिया होगा, H2SO4 डाल दिया होगा आपसे। हाँ हाँ तो शक्कर की चारिंग बोलते हैं उसको, ये करते हैं ना लोग। क्या बनाते हैं, चॉकलेट की कुछ चीजें बनाते हैं, बोलते हैं कैरेमलाइज कर रहे हैं उसको। हाँ तो वही जला रहे हैं, उसमें एसिड डाल के जला रहे हैं बस। हाँ तो जल के निकल आया ना वो CO2 के साथ। सांप की गोली तो कुछ और होता है, वो कुछ डाइक्रोमेट होता है, वो डाइक्रोमेट होता है। चलो चलो जल्दी करो जल्दी, हो गया। तो इसमें लिखा क्या है, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड लेते हैं तो उसमें SO3 रिएक्टिंग स्पीसीज होती है। सल्फोनेशन लिखो, रिएक्शन लिख लो, अब तो लिख ही लोगे ना। फिनॉल पे लगाओ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 298 टेम्परेचर पे। फिनॉल के साथ रिएक्शन कराओ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 298 के। तो 298 पे कराते हैं तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है। तो फिनॉल पे SO3H लगा दो ऑर्थो पे, फिनॉल के SO3H लगा दो ऑर्थो पे। जिसको ये बात समझ में नहीं आई वो पूछो। देखो सबने सही बनाया, 298 पे। हाँ SO3H ग्रुप लगा दो किस पे, ऑर्थो पे। और 373 पे कराओ दूसरा रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सिंपल है। 373 मतलब याद रखना, 373 हाई टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया ना, 373 केल्विन है वो, 373 केल्विन। तो पैरा पे लगा दो। तो ऐसा नहीं है कि उसमें पैरा नहीं बनेगा और इसमें ऑर्थो नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन मेजर। जैसे तुम याद OH किस पे कराई, 288 से 298 केल्विन इस पे करा दिया तो क्या लग गया, क्या बन गया, ऑर्थो। ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगाना है, SO3 सल्फोनेशन में ये ग्रुप रखा। और 373 पे कराई थी तो क्या, हाँ OH में तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर है। OH ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। रिंग को कैसे एक्टिवेट करता है, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन भेजते हैं रिंग की तरफ, इलेक्ट्रॉन भेजते हैं रिंग की तरफ वो कैसे होते हैं, एक्टिवेटिंग। और जो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, जैसे NO2 हो गया, CHO हो गया, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं बाहर की तरफ तो वो रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। तो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी आप याद रखिए। प्लस एम जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग। और माइनस एम जो होते हैं वो क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेट करने का मतलब रिंग के इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचना। ठीक है।
हो गया तुम्हारा। रुक जाओ प्रभु, एसिटाइलेशन हो गया। एल्कली से रिएक्शन हो गया, सर्टेन वोमेन हो गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। अच्छा बताओ, फिनॉल ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा या बेंजीन? फिनॉल देगा ना, अभी तो बताया OH ग्रुप क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा रिंग। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए फिनॉल क्या होगा, ज्यादा रिएक्ट करेगा बेंजीन के कंपेयर। करेंगे रिएक्शन दोनों, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो बनता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो बनता है, कहाँ बनाया था, इसमें क्या होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, बता चुके हैं ना, इसके ऑक्सीजन के बीच में ये हाइड्रोजन पहुंच जाएगा तो क्या बन जाएगी, इंट्रा मॉलिक्यूलर। एच बॉन्डिंग और इसके केस में ये जो प्रोडक्ट होता है स्टेबिलिटी बढ़ जाती है एक और बॉन्ड बनने की वजह से, इसलिए ये प्रोडक्ट कैसा होगा, क्या दिक्कत है, बीच बीच में बेवकूफ मुझे सोचने लगते हैं। हाँ नहीं, ये कोई वो नहीं है, ये तो एक स्पेशल, नहीं, ये एक स्पेशल केस है, बाकी जो है ना ऑर्थो पैरा दोनों बनेंगे, जिसमें से कुछ में ऑर्थो में रिपल्शन ज्यादा हो जाता है, कौन मेजर हो जाएगा, पैरा मेजर हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे हम लोग एनिलीन पढ़ेंगे तो उसमें मेटा भी बनेंगे, ऐसे रिएक्शंस में मेटा भी बनेंगे, वहां पे दूसरा रीजन काम करेगा। कोल्बे रिएक्शन बता दिया, कोल्बे नहीं बताया, लास्ट रिएक्शन चैप्टर, टाइम बोल दो इसे। मैं यूं ही पूछ रही हूँ, ये नहीं समझते हो मैं कितना आप लोग को भी चेक भी करती रहती हूँ। जवाब ऑब्जर्वेशन नहीं है, मतलब ये ऑब्जर्वेशन होता है कि बच्चे थक गए हैं, भागना चाहते हैं, ऐसा जाना चाहते हैं। कोलबेस रिएक्शन, बेसिक मीडियम में CO2 की रिएक्शन होगी, COOH ग्रुप आ जाएगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे COOH लगाएंगे, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, सैलिसिलिक एसिड। पहले लिख रहे हैं ना, लिखो, फिनॉल रिएक्ट विद CO2 इन बेसिक मीडिया, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन,
माइनस बनेगा तो फिर एसिडिफिकेशन होगा, तभी तो OH आएगा। एसिडिफिकेशन फॉर्म्स सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड्स SALICYLIC, सैलिसिलिक एसिड। इन दिस रिएक्शन CO2 act as electrophile, CO2 act as electrophile, ठीक है। रिएक्शन मैं भी लिख दूं, बता दूंगी आप। फिनॉल की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? बेसिक मीडियम में CO2 से, फिर फॉलोड बाय क्या कर रहे हैं? एसिडिफिकेशन, OH प्लस रिएक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा? फिनॉल हो जाएगा सैलिसिलिक। ये रिएक्शन कौन सा है? कॉल पे रिएक्शन है, आप कर रहे हैं ना। अब देखो, अब विदेशी लोग इंडियन से डर रहे हैं ना, ठीक है। चलो भैया मैकेनिज्म पे आओ, मैकेनिज्म पे आ जाओ। इसका मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट नहीं पूछा तो ठीक है। रिमर टिपन पूछा गया, इसमें सब पूछ लेंगे तो फिर रहेगा। जल्दी करो, बहुत इम्पोर्टेंट चीज सिखानी है आपको, जल्दी से करो। देखो तो ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड है ना, बस बस बस। पहला स्टेप क्या होगा? सारांश बता दीजिए जल्दी से। फर्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? ज्यादातर रिएक्शन में कौन सा स्टेप हो रहा है? NaOH आएगा और क्या करेगा? वाटर यस और वो एने बन गया, वो एने वही वो एने वैसे वो एने तो मिलेगा नहीं, कैसे ओ माइनस। मेन मुद्दे की चीज क्या है हमारे पास? फिनॉक्साइड। मेन काम क्या है? फिनॉल बोले तो किसको याद करना है? फिनॉक्साइड। बेसिक मीडियम मिलते ही ये क्या बना लेता है? फिनॉक्साइड। अब हमारे पास है CO2, कौन है? CO2 भाई साहब है, दो डबल बॉन्ड लेकर के बैठे हैं। एक तरफ डेल नेगेटिव आ जाएगा, एक तरफ डेल पॉजिटिव। कार्बन पे डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, ठीक है। अब कहानी कैसे घूमेगी? जैसे ही फिनॉक्साइड यहाँ पे आया, फिनॉक्साइड यहाँ पे, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है ही ना, माइनस चार्ज तो है ही है, इसके पास और दूसरी चीज भी क्या होगी? अच्छा एक बात बताओ कि ये जो ओ माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन भेजेगा रिंग की तरफ कि खींचेगा? ठीक है, वैसे तो ओ इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन ओ माइनस चार्ज है, ठीक है, माइनस चार्ज भी है और लोन पेयर तो ऑलरेडी है भी। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ पे नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, आएंगे इस बात से एग्री करते हैं सब लोग, ठीक। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म पे ध्यान देते हैं कि अगर पोजीशन पे क्या लगाना है? COH ग्रुप लगाना है, जैसा कि हम लोगों ने किसमें सोचा था? हाँ, रिमर टिबेन में भी सोचा था,
कि अगर हमको COH लगाना है तो CCl2 को कहाँ पे लगाया था हमने, ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन उसमें कैसी थी, CCl2 था एक इलेक्ट्रोफाइल, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, मतलब अगर ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन आएगा तब जा करके वो आकर के अटैच होगा। तो यहाँ पे CO2 का जो ये C सेक्टर है ये कैसे काम कर रहा है, ये वाला काम कैसे करेगा, इसी को ऐड होना है इलेक्ट्रोफाइल। अगर इसको इलेक्ट्रोफाइल की तरह हमको ऐड कराना है किस सेंटर पे, ये वाले सेंटर, ऑर्थो वाली पोजीशन, ठीक। तो ऑर्थो वाली पोजीशन पे अगर इसको ऐड कराना है तो आप क्या सोच सकते हो, यहाँ पे कैसे आएगा चार्ज, क्या कर रहे तुम लोग पता नहीं कुछ। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन नीचे आया तो पक्का ये आ गया नीचे, ठीक है। इसके नीचे आने की वजह से इस कार्बन को क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5, तो ये इलेक्ट्रॉन को हटना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया तो इस पे आकर के कौन अटैच होगा, CO2 का C पूरा ग्रुप आकर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो थोड़ा अटैच करा ले, अब कोई दिक्कत है मॉलिक्यूल में क्या, कहाँ पे देखो। अब क्या होता है, इससे अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे ना, ये तो खैर नेगेटिव चार्ज वाला था स्पीसीज, इस नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज ने दिया, लेकिन क्या होता है फिर से ये जो है ना रेजोनेंस के चक्कर में ये फिर से अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। तो अगर ये फिर से अपना इलेक्ट्रॉन लेगा वापस, तो अगर वापस लेगा तो अब इसको क्या चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड चाहिए कि नहीं चाहिए, इस जगह पे डबल बॉन्ड चाहिए ना। अभी तक तो दिक्कत नहीं थी, 1 2 3 4, अब जैसे ही इसने लिए यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव जैसे ही होगा फिर इलेक्ट्रॉन की जरूरत, इलेक्ट्रॉन की जैसे ही जरूरत पड़ेगी तो फिर गरीब आदमी को क्या किया जाएगा, परेशान। गरीब आदमी कौन है इसमें, गरीब आदमी कौन है, एच है ना, एच सबसे गरीब आदमी है, तो एच क्या करेगा, निकलेगा भैया, निकलेगा कैसे, एरो इधर रख देते हैं ताकि ये लगे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दे करके निकल रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे करके निकल लेगा, तो यहाँ पे H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। अब इसमें होता क्या, इंट्रा मॉलिक्यूलर थिंग होती है, ये H प्लस जो है ये जा करके इस पे जा करके कौन सा डबल बॉन्ड बन गया ना, फिर से डबल बॉन्ड, ये O माइनस, ये ठीक है H प्लस, यहाँ का जो H प्लस था वो कहाँ अटैच हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया। अब फिर से ये फिनोक्साइड है, अभी हमने क्या बताया था एसिडिफिकेशन भी करना है, तो एसिडिफिकेशन में H प्लस आ गया, H प्लस आ गया, यहाँ पे जगह अब क्या कर देगी इसका एसिडिफिकेशन, क्या हो जाएगा,
सैलिसिलिक एसिड। एक और नाम इसको साइक्लिक, एक और नाम इसको दे सकते हैं, एक और नाम दे सकते हैं, और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक सवाल यहाँ पे, बस एक लास्ट सवाल कि भाई ऑर्थो तो बना, पैरा क्यों नहीं बना? ऑर्थो पैरा साथ साथ बनते हैं, दीदी उसी वजह से तो होते हैं ये सब। NO2+ जा जाके TNP बनाया था, तीनों जगह पे, दो ऑर्थो एक पैरा पे, तो ठीक है। देखो इसमें कैसे जस्टिफाई किया गया, पैरा क्यों नहीं बन रहा है ना? देखो ऑर्थो पोजीशन पे ओ जो था वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, है ना, इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो प्लस एम लग रहा था, ठीक। प्लस एम इफेक्ट ऑर्थो पे भी लगेगा और पैरा पे भी लगेगा, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर कोई ऊपर से बाहर से दे रहा है तो वहां पे आपका ऑक्सीजन वैसे तो कैसे काम करता है, माइनस आई की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे काम करेगा, प्लस आई की तरह। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कैसे काम करेगा यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो फिनोक्साइड का ऑक्सीजन है वो काम करेगा प्लस आई की तरह। अगर प्लस आई की तरह काम कर रहा है ऑक्सीजन तो ऑर्थो पोजीशन में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, और पैरा पे क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रही है ना, एम इफेक्ट तो लगभग ऑर्थो पैरा पे सेम आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी इंक्रीज होगी वो तो ऑर्थो पैरा पे लगभग सेम होगी, ठीक है। लेकिन ऑर्थो के केस में प्लस फैक्टर क्या आ गया कि प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा काम कर रहा, यही रीजन दिया गया। ऐसा नहीं है पैरा प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं बन रहा, थोड़ा बहुत बनेगा, लेकिन मेजर कौन सा देखा गया एक्सपेरिमेंटली, एक लाइन लिख दी गई क्या एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि मेजर ऑर्थो। फिर उसके बाद इसके जस्टिफिकेशन के लिए रीजन क्या दिया गया कि ऑर्थो पे प्लस आई इफेक्ट किसका, ऑक्सीजन का, वो माइनस का इन कंपैरिजन टू, क्योंकि आई इफेक्ट तो डिस्टेंस से मॉनिटर होता है, बराबर से लगेंगे। फिनॉल खत्म हो गया, इधर कराना है। देखो एल्डिहाइड कीटोन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन एसिड फ्लोराइड, ठीक। तो मैं आपसे लिखते भी रहो सुनते भी रहो, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मैं एल्डिहाइड कीटोन में पहले एसिड कराऊं, इथर का तो कराने के बाद एसिड कराऊंगी, फिर उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कराऊं या एमीन कराऊं? एमीन छोटा है, नहीं मैं आपकी राय मांग रही हूँ क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन इम्पोर्टेंट है, एमीन के कराना सब है, एमीन के कंपैरिजन में एल्डिहाइड कीटोन इम्पोर्टेंट ज्यादा है, दोनों के ही आते हैं, एल्डिहाइड कीटोन के ज्यादा है, एल्डिहाइड कीटोन बड़ा है।
जैसा आप बोलोगे। ईथर तो फिनॉल में थोड़ा सा फिनॉल से क्वेश्चन में प्रूव आते हैं इसलिए इसको ट्राई।